हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर 22। तो भाई साहब, आपका भाई आ चुका है वापस से एक मजेदार दमदार गेम प्ले के साथ। तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है भाई। और अब मैं कोशिश करूंगा भाई आज 25 मिनट से ऊपर की वीडियो बन जाए। तो भाई साहब जल्दी से वीडियो को लाइक करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो भाई। और ये वाली अपनी मशीन इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई है। और ये देखो इधर साइड में अपना सनफ्लावर जो है वो उग चुका है। और मैं तुम लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले अपने पास भाई 351,211 डॉलर लगभग अपने पास हुए पड़े हैं। और भाई मैंने बहुत सारी लकड़ी काट काट के अपने फार्म में भाई मैंने बेची है। और ये जितनी भी अपनी ज़मीन है ना भाई, चारों तरफ से जंगल ही जंगल है भाई, घिरी पड़ी है लकड़ियों से। ओके, इसका इंजन करता हूँ मैं ऑफ। और भाई साहब जल्दी से हम लोग यहाँ से चलते हैं और इधर साइड में देखते हैं क्या आज हम लोग करने क्या वाले हैं। भाई मैं बताता हूँ तुम लोगों को, अपना यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ भाई, ये मैसी का, ठीक है, इसको खड़ा रहने देते हैं, इसका अभी अपने को कोई यूज़ है नहीं भाई। और ये इधर साइड में अपना जेसीबी ट्रैक्टर खड़ा हुआ, और इसको आज मैंने वॉश भी करना है। और भाई साहब आज अपने को शुगर केन की फार्मिंग करनी है। मैं तुम लोगों को बता दूं, यहाँ पर अपनी मर्सिडीज खड़ी हुई है। ओके ठीक है, अभी इसको बंद कर देते हैं भाई। और थोड़ा सा आज हम अपने फार्म में मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई। लेकिन 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 सबसे पहले हम लोग अपने जेसीबी के अंदर बैठते हैं, इसकी लाइट्स वाइट्स करता हूँ मैं ऑन, और इसको इधर साइड से हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके, तो भाई साहब जल्दी से इसको चल के ना हम लोग कर लेते हैं वॉश, क्योंकि भाई ये अपना जेसीबी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है भाई ये, बहुत ज़्यादा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ते हैं और ओके, इसको मैं वॉश करता हूँ। लेकिन 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 उससे पहले अपने को एक काम और करना है भाई, अपने को ना लाइम लगाना है अपनी उस वाली जो नई वाली, जो हमने नया वाला फील्ड क्रिएट किया उसके अंदर अपने को लाइम लगाना है। तो अपना ये ट्रैक्टर जहाँ जहाँ से भी गंदा है ना भाई, इसको हर जगह से हम लोग धो लेते हैं फटाफट से। इसको चमकाओ भाई एकदम टना टन। ओके ओके, टन टना टन टन हो गया भाई, ये चमक चुका है। और अभी जो है ना अपने को एक फर्टिलाइज़र स्प्रेडर खरीदना पड़ेगा भाई, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को अपन एक फर्टिलाइजर स्प्रेडर। रुको जरा एक सेकंड, एक सेकंड भाई, ये क्या है, इस वाले ट्रैक्टर को भाई हम लोग कर लेते हैं एक बार स्टार्ट, एक दफ़ा ना इसी वाले ट्रैक्टर को हम लोग लेकर चलते हैं। ये वाला ट्रैक्टर भाई इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं ना सोच रहा हूँ इस वाले ट्रैक्टर को हम लोग ना सेल कर देते हैं। और हम लोग ना एक ट्रैक्टर लेने वाले हैं फीएट का, इसको ना ये अपना खुद का ही है भाई, आई थिंक ये मैसी वाला, ये स्मॉल है, इसको ये है भाई 130 हॉर्स पावर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करने वाला हूँ भाई, फीएट का एक ट्रैक्टर था अपने पास, तो भाई हम लोग ऑफर में चेक करते हैं कुछ सस्ता मिल रहा है अपने को भाई। एक सेकेंड, ये अपने को 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और ये क्या है भाई, ये सीडर है। और ये अपने को जॉन डियर की एक हार्वेस्टर भी मिल रही है भाई सस्ते रेट पे, 50% डिस्काउंट पे भाई। और भाई ये सीडर नहीं है, ये तो प्लांटर है, लेकिन प्लांटर तो अपने पास अभी के लिए है ना भाई, तो इसको हम लोग क्या करें भाई, ये बड़ा वाला प्लांटर है, लेकिन चलो इसको ले लेना चाहिए भाई। ये कवर करता है भाई कितना एरिया, 12 मीटर। तो चलो भाई साहब, ये अपने को 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसको मैं ना फटाफट से भाई बाय कर लेता हूँ। ये कॉटन लगा सकता है, सोयाबीन्स लगा सकता है, ठीक है, इसको भाई बाय करते हैं हम लोग। ये 50% ऑफ पे मिल रहा है, तो इसका कोई कलर वलर हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? यस, लेकिन नहीं यार, ये अभी अपने को जरूरत नहीं है, तो हम लोग ये नहीं लेने वाले, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। लेकिन ये जॉन डियर की हार्वेस्टर है, ये अपने को 50% डिस्काउंट के साथ मिल रही है, तो क्या किया जाए, इसको बाय कर लिया जाए। ये जॉन डियर की जो हेड है, ये अपनी ये हार्वेस्टर है, इसको ले लेना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये हमें बाय कर लेनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, ये हम लोग बाय कर लेते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट पे मिल रही है, बाद में अपने को ये मिलेगी लगभग $4,00,000 के करीब। क्योंकि मैं तुम लोग अभी इसकी प्राइस दिखा देता हूँ, ये रही हार्वेस्टर और यही है वो जॉन डियर की हार्वेस्टर जो हमने अभी अभी खरीदी है, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये रही भाई, ये $5,50,000 की है भाई, तो इसका हेडर वेडर हम लोग बाद में खरीद लेंगे भाई, अपने पास अभी हार्वेस्टर तो आ चुकी है। तो ठीक है, ये काम तो हो गया, अभी अपने को भाई एक चाहिए शुगर कैन के लिए। ये शुगर कैन टेक्नोलॉजी में ये शुगर कैन प्लांटर है ना, हाँ भाई ये शुगर कैन प्लांटर है, ये अपने को भाई खुद का खरीदना नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग जस्ट लीज पर लेंगे। और क्योंकि अपने को भाई शुगर कैन एक बार अपने को प्लांट करना है बस, उसके बाद तो भाई काम खत्म। तो अभी मैं ट्रैक्टर देख लेता हूँ भाई जल्दी से कहाँ पर है वो फीएट का ट्रैक्टर। तो भाई ये दो अपने पास ट्रैक्टर है फीएट के, और ये दोनों लगभग सेम ही है, ये भी सेम है और ये भी सेम है भाई। ये ठीक है भाई, ये इसको हम लोग इसके आगे भाई हम लोग वेट अटैच करते हैं, और इसका इंजन सेटअप जो है ना वो फुल मैक्स करना है मेरे को, 100 हॉर्स पावर का। और ठीक है भाई, इसके टायर वायर तो ठीक है, और थोड़े से इसके व्हील्स जो है वो वाइड चाहिए अपने को, वाइड, ये वाले वाइड हो गए व्हील्स और लॉन्ग पाइप। ओके, तो इसका हम लोग भाई ऊपर ये कैबन रखवा लेते हैं, ठीक है,
ओके भाई, ये हमने बाय कर लिया, ये सस्ता मिल रहा है अपने को। और जो अपने पास ये है ना भाई, ये वाला मैसी का, ये मैं सेल करने वाला हूँ भाई। और बाकी ठीक है, अपने पास हो गया जो भी है। ओके, और अभी जो है ना, हम लोग चलते हैं सीधा शॉप पर। और एक चीज़ और मेरे को करनी है, वो अपने को फर्टिलाइजर स्प्रेडर कोई खरीदना है भाई। तो भाई अपने को आई थिंक ये इतना बड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और ये वाला भी कॉस्टली लग रहा है मेरे को। हम लोग भाई ये वाला ही खरीद लेते हैं, ये ठीक है भाई। ये 12 मीटर कवर करेगा, और अगर इसको हम लोग इसकी स्प्रेडिंग डिस्क लगा दें तो ये 18 मीटर कवर करेगा। और इससे $8,000 इसकी प्राइस बढ़ रही है, मतलब 8। ठीक है भाई, इसको हम लोग एक ही बार में करते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा करते हैं और इसकी एक्सटेंशन लगा देते हैं, स्मॉल बिग। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन थोड़ा बिग कर देते हैं। और अब इसके अंदर हम लोग 14,000 लीटर कर सकते हैं, ये मतलब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर 11,000 लीटर, और आई थिंक 11,000 लीटर ये कवर इसको कर दें ऊपर से, क्या भाई कर देते हैं भाई कवर। तो ओके भाई साहब, इसको हम लोग बाय कर लेते हैं, इसकी अपने को ज़रूरत पड़ती रहेगी। और अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ $6,000 बचे हैं भाई, सिर्फ $6,000। तो मुझे लगता है अपने को थोड़ा सा लोन आज लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं भाई, और अपना ये वाला जो टेंट है ना, इसको भी अपने को अभी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो भाई अब चल के हम लोग ले आते हैं अपना सारा का सारा सामान, और उस ट्रैक्टर को हम लोग फॉलो करवा लेंगे। और वहाँ पर अपना कुछ स्टोन भी रखा हुआ है भाई, ये रहा भाई साहब, अपनी हार्वेस्टर भी यहाँ पर आ चुकी है, और अपना ट्रेलर इधर ही पड़ा हुआ है, हमने इधर ही छोड़ा हुआ है। तो अभी ये जो प्लांटर है ना भाई, इसको हम लोग ऐड करेंगे अपने इस वाले ट्रैक्टर के साथ। ओके, तो इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह अपने को कैसे भरना है, वो उधर सीड रखा हुआ है, देखते हैं कि वहाँ से ये भर सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ था, ये हम लोग भर लेते हैं यहाँ से, ये 55% भर गया। और अभी यहाँ पर ये जो सीड रखा हुआ है भाई, पता नहीं ये हम लोग भर सकते हैं या फिर नहीं। नहीं भाई, ये सीड अपना वेस्ट गया भाई। अभी मेरे को ना लग रहा है कि मुझे लोन लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग भाई लगभग $30,000 का लोन ले लेते हैं। और अब हम लोग ना यहाँ पर थोड़ा सा बाय कर लेते हैं बिग बैग्स, थोड़ा सा ये एक फर्टिलाइज़र बाय कर लेते हैं। ओके, और साथ में अपन को थोड़े से सीड्स बाय करने हैं, 2 बैग आई थिंक इनफ होंगे। ओके, और अभी अपने को ना थोड़ा सा लाइम भी बाय करना है। लाइम, वेयर इज़ लाइम? ये लाइम के अंदर 2,000 लीटर है ना, तो 2, 4, 6, 8, 4 काफ़ी हैं। ओके ओके भाई साहब, ये हो गया। और अभी अपने वो सामान सारा किधर को आया? अरे बाबा मेरे को बताओ, अरे बाबा। ओके, उधर साइड में चला गया ये फर्टिलाइज़र। तो हम लोग यहीं से ही भर लेते हैं इसके अंदर। ओके, ये फर्टिलाइज़र आई थिंक पूरा भर जाएगा। नहीं भाई, 1440 लीटर ही भरा है इसके अंदर। और अभी चल के इसके अंदर हम लोग सीड भर लेते हैं भाई, पूरे के पूरे। ओके भाई, सीड भर रहे हैं यहाँ पर। अभी तब तक मैं एक काम करता हूँ, इस वाले ट्रैक्टर के अंदर बैठता हूँ, फिएट के अंदर इसको स्टार्ट करता हूँ भाई मैं। और ओके, इसको इसके साथ हम लोग अटैच करते हैं ये वाला अपना जो है ना, ये वाला लाइम स्प्रेडर। ठीक है, इसको अटैच कर लिया भाई हमने। तो ओके, इसके अंदर हम लोग लाइम भर लेते हैं, और ये ट्रैक्टर आराम से इसको ले जाएगा भाई, एकदम आराम से खींच के ले जाएगा। ये सारा काम बड़े अच्छे से कर सकता है ये वाला अपना ट्रैक्टर जो है, फिएट वाला। अभी भाई वेट करते हैं, जब तक ये सारा कुछ फिल हो रहा है तब तक वेट करते हैं। ये लगा के मैं उतरने वाला हूँ, ये 4,000 लीटर पूरा होता है, तो हम लोग उतर के उधर चलते हैं। ओके, इधर साइड में देखते हैं ये भर गया पूरा। नहीं भाई, अभी ये कहाँ भरा है। अभी अपने को भाई सीड्स थोड़े और बाय करने पड़ेंगे। मैं ना सीड्स का बड़ा पैलेट खरीद लेता हूँ। ये हैं सीड्स, हाँ ठीक है, 2,000 लीटर हम लोग बाय कर लेते हैं। ओके ओके ओके, अभी इसको भरने देते हैं, यहाँ पर ये भर रहा है। और हम लोग ना तब तक ये लाइम का जो लास्ट बैग रह गया, इसको भी भर लेते हैं। ओके, अभी ये इतने, इसने तो आई थिंक भर लिया। अभी इसका तो भाई कुछ भी नहीं बना, अभी तो ये इसमें तो बहुत सारा सीड चला जाएगा भाई। तो एक काम करते हैं, सीड्स का ना एक और बाय कर लेते हैं, बाद में अपने काम आता रहेगा भाई। ओके, अभी ये कहाँ पे आया है भाई, ये रहा। ओके ठीक है, ये वाला भी इसके अंदर भर लेते हैं। ओके भाई साहब, इस वाले वर्कर को हमने लगा दिया यहाँ पर, ये अभी अपने पीछे पीछे आता रहेगा भाई। और हम लोग चलते हैं आगे आगे, और वो अपना वर्कर अपना वो वाला शुगर केन का जो प्लांटर है ना, वो लेके आ जाएगा। और हम लोग भाई जल्दी से ना इसको लेकर चलते हैं इधर साइड से अपने फार्म पे, सीधा जल्दी जल्दी चलते हैं। और भाई ये तो हमने बहुत ज़्यादा कोई बड़ी इसकी एक्सटेंशन लगा ली है भाई। चलो ठीक है, बाद में हम लोग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये जो भी है अपना ये सीडर है या जो भी है। अभी जल्दी से फटाफट से हम लोग इसको लेकर चलते हैं, और फटाफट से चल के ना भाई हम लोग यहाँ पर लाइम लगाना शुरू करते हैं। बट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वो वाला वर्कर आ जाए ना, फिर है। एक सेकंड भाई, उसको मैं उससे काम ख़त्म करके आता हूँ। इसको भाई हम लोग बोल देते हैं कि भाई तू रहने दे, तेरे बस की बात ना है छोरा। तो ठीक है भाई, अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं और इधर साइड में, और इसके अंदर हमने लाइम तो भर दिया, और आई थिंक ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा एकदम आराम से। ओके भाई साहब, तो ये लाइम तो पूरा का पूरा एरिया तो कवर नहीं कर रहा, लेकिन चलो जितना भी कर रहा है ना हम लोग उतना कर देते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, इधर साइड में करके एक साइड से हम लोग इसको लगाते हैं, ताकि जितना एरिया ये कवर कर सकता है उतना करे, बाकी का फिर हम लोग भाई बाद में कर लेंगे। इसके अंदर पहले लाइम लगाना जरूरी है भाई, क्योंकि लाइम लगाएंगे तो उससे अपनी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी भाई फटाफट इसके अंदर हम लोग सारा का सारा लाइम खुद से लगा लेते हैं। और तुम लोग देखो ये वाले सीन्स मैं कट नहीं करने वाला भाई।
तो भाई आधा फील्ड तो लगभग हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, इसको भी हम लोग करते हैं फटाफट से। ओके इधर साइड में ये फिनिश हो जाएगा अभी, और यहाँ पर ये हम लोग लगा देते हैं सारा का सारा, और एक राउंड और लगेगा मुझे लगता है अपना। हाँ एक राउंड और लगेगा अभी, ये इस राउंड में हम लोग सारा ख़त्म करते हैं भाई, निपटाते हैं इस वाले काम को। और इसके अंदर भाई हम लोग शुगर केन जो है ना वो प्लांट करना स्टार्ट करते हैं, शुगर केन की प्लांटेशन हम लोग शुरू कर देते हैं। ओ भाई किधर जा रहा है भाई ये ट्रैक्टर? भाई यार ये ना इसके नीचे ना ये छोटा ट्रैक्टर भी होना ना भाई एकदम अजाब है भाई। तो चलो ठीक है अभी यहाँ पर इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। और ये किस चीज़ की पेमेंट कट गई भाई? वेज पेमेंट। और भाई हमने लिया था लाइम तो अपना भाई काफ़ी ज़्यादा लग गया, अपना लगभग 4000 से ज़्यादा लीटर लाइम लग चुका है भाई, 4000 लीटर से ज़्यादा लाइम अपना लग चुका है। ओके भाई साहब यहाँ पर ये फिनिश हो चुका है, और अभी अपना ये लाइम पूरे के पूरे फील्ड में लग गया है। तो अभी भाई साहब इट्स टाइम टू, ओ भाई साहब फसल नहीं ख़राब नहीं हो रही भाई, अपना ये सनफ्लावर देख रहे हो भाई छोटे छोटे लगना शुरू हो गए हैं। तो इसको ना भाई एक दफ़ा हम लोग यहीं पर ही खड़ा रहने देते हैं एक साइड पे, बाद में ना हम लोग इसको करेंगे जो भी करना है अपने को। इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ठीक है, और उसके बाद अपने को ना अभी चलना है अपने जेसीबी के अंदर। ये आ गया अपना जेसीबी का ट्रैक्टर। ओके भाई साहब यहाँ पर अब हम लोग जो है ना अपने इस वाले वर्कर को लगाते हैं, और भाई इधर साइड से शायद ये ठीक से काम करता रहेगा। ओके भाई इधर साइड से इसने एक साइड से थोड़ी सी लाइन छोड़ दी है, तो चलो उसकी तो खैर है, वो हम लोग भाई बाद में कवर कर लेते हैं। और अभी जो है ना जल्दी से इसको करना पड़ेगा भाई, ये अभी जल्दी जल्दी बस ये प्लांट करना स्टार्ट कर दे तो भाई मज़ा आ जाए। ओके तो भाई ये वाले ट्रीज जो है ना मैं कट कर रहा हूँ, बाकी के तो मैंने कट कर दिए, ये एक लास्ट वाला बचा है, ये ना रुकावट पैदा करेंगे भाई। ओ नो नो नो, अबे यार भाई इनको अब क्लीन भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ये इनको क्लीन करते हैं भाई, जब तक अपना वर्कर यहाँ पर आएगा इसको क्लीन कर देते हैं भाई। ये अपना पैसा है पैसा भाई, देख रहे हो भाई साहब ये कितना बड़ा ट्री है। तो भाई अभी एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग यहाँ से उठा के ना, ओ भाई साहब हम लोग इसको उठा नहीं पा रहे भाई, ओ भाई साहब ये सही से उठ नहीं पा रहा भाई। तो एक काम करते हैं ना इसको हम लोग यहाँ से उठा के ना थोड़ा इधर साइड में लेकर जाने की कोशिश करते हैं थोड़ा यहाँ पे। ओके भाई इसको बाद में हम लोग कट कर लेंगे खुद ही। तो भाई देख रहे हो तुम लोग ये कितना लंबा ट्री है भाई, और अब ये अपने को कोई दिक्कत नहीं कर सकता ठीक है। अभी अपना ये वाला जो ट्रैक्टर है ना ये तो यहाँ पर खड़ा हुआ है, और इसको ना मैं अब चल के इसको हम लोग करते हैं पार्क अपने इस वाले फर्टिलाइजर स्प्रेडर को। तो अभी जो है ना अपना यहाँ पर टास्क जो है वो ख़त्म हो चुका है, देखता हूँ भाई ये सही से काम कर भी रहा है या फिर नहीं। तो ठीक है भाई साहब ये बंदा अपना सही काम कर रहा है, अभी चल के ना हम लोग अपने इस वाले फर्टिलाइजर स्प्रेडर को खड़ा कर देते हैं अपने फार्म के अंदर। इसको कहाँ पर लगाऊं भाई मैं? एक काम करते हैं हम लोग ना इसको इधर साइड में लगाऊं क्या? हाँ उधर साइड में लगाते हैं पहले उस वाले फार्म में। यहाँ पर भाई इसको हम लोग लगाएंगे इधर साइड में एकदम मस्त तरीके से घुमा के। ओके यहाँ पर इसको अपने को लगाना पड़ेगा थोड़ा सा सही करके भाई। ओके 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 यहाँ पर इसको हम लोग कर देते हैं डिटैच, और ये डिटैच हो चुका है अपना फर्टिलाइजर स्प्रेडर। ओके भाई साहब तो यहाँ पर हमने अपनी ये ट्रॉली भी लगा दी है, और अपना ये वाला जो ट्रैक्टर है ना ये फीएट वाला, इसको हम लोग ना अभी के लिए इसका काम खत्म हो चुका है, इसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर। ये जो अपना गैराज है इसको इधर लगा देते हैं। और भाई मैसी का जो ट्रैक्टर है वो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया भाई, तो ये फीएट का जो ट्रैक्टर है ना भाई ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो ये छोटा और सस्ता भी। और इसका मैं इंजन करता हूँ ऑफ, और ओके यहाँ से निकलते हैं बाहर, दरवाज़ा करते हैं बंद, और अभी देखते हैं अपना ये वाला वर्कर क्या कर रहा है। तो भाई ये शुगर केन सही से प्लांट कर रहा है, तो बस ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है कि ये शुगर केन प्लांट कर रहा है अपना। और अभी यहाँ पर अपना शुगर केन का जो सीड है वो कितना रहेगा भाई? अभी 43% पड़ा हुआ है, तो भाई मेरे को शुगर केन का सीड जो है ना वो और ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा भाई। तो हम लोग भाई एक काम करते हैं अपनी इस वाली मर्सिडीज़ को भाई निकालते हैं, और जल्दी से ना भाई चलते हैं, और हम लोग ना थोड़ा सा सीड्स ले आते हैं बाय करके। अभी से हम लोग सीड्स बाय कर लेते हैं, सीड्स के हम लोग 2, 3, 4 हाँ 4 बाय कर लेते हैं। ओके इतने आई थिंक काफ़ी होंगे। ओके अभी अपनी इस मर्सिडीज़ को हम लोग निकालते हैं बाहर फटाफट से, और इसको चलते हैं। और जो अपना एक ट्रेलर वहाँ पर खड़ा हुआ है तुम लोगों को शायद याद हो कि ना याद हो, ओ भाई साहब ये कंट्रोल करना इसको आज थोड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। गाड़ी के और ट्रैक्टर के कंट्रोल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जब हम लोग ट्रैक्टर चलाते हैं तो भाई गाड़ी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो एक सेकंड मुझे तुम लोगों को एक चीज़ भी दिखानी थी भाई, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी थी भाई, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने सेटमेट करी थी। ये देखो भाई यहाँ पर हमने अपना एक सेलिंग पॉइंट बनाया है, ये देखो यहाँ पर मैंने सेलिंग पॉइंट बना दिया है, और इधर साइड में हम लोग कुछ भी सेल कर सकते हैं। अब अपने अंडे वगैरह जो भी अपने को सेल करना है वो यहाँ पर हम लोग सेल कर सकते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग घूम के अपना बड़ा वाला ट्रेलर भी कुछ भी हम लोग घुमा के यहाँ पर आ सकते हैं, और इससे अपने को फ़ायदा भी होगा इस वाले सेलिंग पॉइंट से। तुम लोगों ने मुझे लास्ट सीरीज में बोला था कि भाई सेलिंग पॉइंट जो है वो खुद का लगाओ, उससे अपने को मतलब कुछ परसेंटेज ज़्यादा मिलती है, मतलब अपना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, अपने को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। तो एक काम करते हैं
जल्दी से ना हम लोग अपने इस वाले ट्रेलर को कनेक्ट करते हैं इसके साथ, अपनी मर्सिडीज के साथ। ओके, तो ये आ चुका है। और भाई साहब अभी हम लोग जो है ना वो देखते हैं कि इसको ऑटो लोड करता है या फिर नहीं। भाई इसको ये ऑटो लोड नहीं करेगा तो अपने को ये मैनुअली लोड करवाने पड़ेंगे। तो ये वाला जो बैग है ना भाई, ये भी अपने को यहाँ पर लोड करवाना है। ओके ऑल राइट। और भाई साहब ये जो है ना ये भी अपने को लोड करवाने हैं। तो भाई थोड़ी सी दिक्कत है, हम लोग थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से काम करेंगे। तो अपन ना एक अपना छोटा सा भाई स्किड लोडर या ऐसी कोई चीज़ फोर्कलिफ्टर करके कुछ हम लोग यहाँ पर खरीद लेते हैं भाई एक दफ़ा। ये सस्ता सा आएगा भाई, ये $37,000 का है भाई। हाँ तो ये हम लोग इसको लीज पर ले लेते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, इसको हम लोग लीज पर ले लेते हैं। ये यहाँ पर आ गया अपना स्किड लोडर, ठीक है। इसका इंजन मैं स्टार्ट करता हूँ और इसके साथ हम लोग जो है ना इसके साथ हम लोग जल्दी से लोड करते हैं भाई। यहाँ पर इसको लोड करते हैं, इधर साइड से इसको उठाते हैं। ओके इसको जल्दी से उठाया यहाँ से और इसको यहाँ पर रखते हैं और फोर्कलिफ्टर को थोड़ा पीछे करते हैं भाई। ऐसे ही करके ना हम लोग जल्दी से फटाफट से ना ये सारे के सारे जो हैं ये लोड कर लेते हैं। तो ओके भाई साहब ये एक लास्ट वाला बचा है, जल्दी से इसको भी हम लोग कर लेते हैं लोड। ओके इसको हमने उठा लिया भाई और ये एक लास्ट वाला बचा है, इसको भी लोड करते हैं फटाफट से। ओके अभी इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं थोड़ा सामने वाली साइड पे। ओके इसको यहाँ पर हमने कर दिया अनलोड। ओके ओके भाई साहब तो अपना ये वाला जो फोर्कलिफ्टर है ना इसको हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ये चीज़ें वगैरह पैलेट्स वगैरह उठाने के काम आता है, यहाँ पर इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इंजन ऑफ करते हैं इसका। तो ये हम लोग इधर रहने देंगे और अपना बाकी सारा सामान यहीं पर पड़ा है। और अभी जो है ना इसको हम लोग बेल्ट वगैरह बांध लेते हैं, अपने इस वाले ट्रेलर को लेकर चलते हैं जल्दी से फटाफट से। और इधर साइड से भी हमने एक रास्ता बनाया था भाई, मैं तुम लोगों को दिखा दूं, ये वाला ये भी रास्ता हमने बनाया था लेकिन इसको अभी क्लीन करना बाकी है भाई। इस वाले रास्ते को क्लीन करना अभी बाकी है। इसको ये रास्ते के दरमियान में भाई जो पेड़ वेड़ लगे हुए हैं भाई ये सारे काट के इसको भी अपन लोग क्लीन करेंगे भाई आहिस्ता आहिस्ता। अपना ये जो धीरे धीरे करके फार्म बढ़ता जाएगा भाई, जैसे जैसे अपने पास पैसा आएगा तो भाई इधर से भी रास्ता देख रहे हो अपने फार्म के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ से आगे अपने पास भाई ज़मीन नहीं है तो इसलिए फिर यहाँ तक ही हमने ये रास्ता जो है ये बनाया है। यहाँ से आगे हम लोग बना नहीं सकते भाई, अपने पास तो लैंड नहीं है। एक सेकेंड भाई, इस वाले ट्रेलर को भाई अभी के लिए हम लोग यहाँ पर खड़ा रहने देते हैं, इसको डिटैच कर देते हैं और ये सामान इसके ऊपर ही रहने देते हैं। और जल्दी से भाई मर्सिडीज़ को लेकर चलते हैं अपने गैराज में वापस और मर्सिडीज़ को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि भाई मर्सिडीज़ का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। और ये अपनी प्यारा सा अपना पिकअप ट्रक है भाई, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, दिस इज़ माई फेवरेट। ओके फार्मिंग सिम्युलेटर के अंदर भाई ये गाड़ी जो है ये मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पर इसको हमने भाई एक सेकंड, इसका इंजन ऑफ करो और अब इसको लॉक कर दो और दरवाज़ा बंद कर दो भाई जल्दी से। और अभी चल के देखते हैं भाई कितना काम रह गया है। तो भाई अपना बंदा जो है वो लगा हुआ है अपना वर्कर, और यहाँ पर थोड़ा सा एरिया छूट गया भाई। और यहाँ पर से ना मुझे पता है थोड़ी सी गड़बड़ क्यों हुई है, ये वाला पेड़ अपने को कट करना है और यहाँ से ना ये वाली लाइट भी अपने को हटानी है। ये लाइट जो है इसको सेल करो भाई, सेल करो, इसको यहाँ से हटा दो। और एक सेकेंड भाई, ये जो ट्री यहाँ पर लगा हुआ है ना भाई, इसको भी यहाँ से अपने को हटाना पड़ेगा। ओके भाई ट्री यहाँ से हट चुका है और अभी अपने को देखना है कि लाइट अपने को कहाँ पर लगानी है। तो भाई लाइट हम लोग यहाँ पे करके अगर लगाएंगे तो ये किसी भी साइड पे दिक्कत नहीं देगी, तो आई थिंक सो कि यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट रहेगी। ओके यहाँ पर इसको लगाते हैं और अभी अपने को लाइट वाइट जो है ना वो इधर साइड में भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। एक लाइट ना हम लोग ये वाली यहाँ पर लगाते हैं ताकि दोनों साइड पर थोड़ी सी रोशनी हो। ओके एक लाइट यहाँ पर हमने लगा दी है और एक लाइट अपने को जो है ना वो इधर साइड में भी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर करके एक साइड पे हम लोग एक लाइट लगा देते हैं। आई थिंक ये लाइट नहीं भाई, ये लाइट, इस लाइट की रोशनी सबसे ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पे करके हम लोग एक लाइट इधर साइड में लगा देते हैं। ओके भाई साहब अपना ये लाइटिंग वाला जो काम है ये सेट हो चुका है और अब जो है ना यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और अपना जो है ना वो सीड्स वगैरह जो है वो तो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं ना एक काम करता हूँ जल्दी से चल के ना दो सीड्स के ये बैग्स जो है हम लोग ले आते हैं भाई, इसको उठाते हैं यहाँ से। और जो सीड्स हैं वो तो ख़त्म होने वाले हैं लगभग, मुझे लग रहा है भाई, इसको यहाँ पर हम लोग फेंक देते हैं और एक और बैग लेकर, मतलब बैग नहीं भाई ये पैलेट बड़ा वाला लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ से इधर साइड से इसने क्यों छोड़ दिया भाई। तो ओके भाई साहब यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा लैंड जो है हमने सेट कर दी है, लेकिन ठीक है भाई यहाँ पर जो लैंड थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो रही है उसको हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पर जो है ना ये सीड्स खत्म हो चुके हैं अपनी इस वाली प्लांटर के अंदर, तो यहाँ पर सीड्स को थोड़ा इसके पास ले चलते हैं भाई और चल के जो है ना सीड्स को यहाँ पर रखते हैं और इनको भर लेते हैं इसके अंदर वापस सीड, ताकि भाई अपना जो काम है वो नहीं रुकना चाहिए भाई। अपना ये शुगर कैन जो है वो प्लांट हो रहा है और इसको वर्कर ने तो काम छोड़ दिया यहाँ पर, और अभी इसके अंदर 2,000 लीटर आई थिंक भर जाएंगे आराम से। अबे भाई इसमें तो कुछ भी नहीं बना भाई, मुझे सीड और लेकर आने पड़ेंगे भाई, इतने में तो भाई इसमें तो 1,000 लीटर सीड है, इसमें तो कुछ भी नहीं बना भाई।
हट जाओ कौवो, निकलो यहाँ से, भागो भूतनी के। तो भाई ये जो है ना, ये वाला एक बैग और अपने को लेकर जाना पड़ेगा, इसको भाई फेंको यहाँ से। ये यहाँ पर रखा, एक और रह गया, वो भी ले आते हैं भाई फटाफट चल के। ओके भाई, दोनों बैग आ चुके हैं और इसको अब दोबारा से हम लोग भरते हैं, इंजन करते हैं स्टार्ट। और अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर सीट्स हम लोग भर लेते हैं, और अभी ये वाला भी भर रहा है इधर साइड में। ओके, अभी आई थिंक 50% हो जाएगा, इसके अंदर 10,000 लीटर की कैपेसिटी है। तो अभी वर्कर को हम लोग दोबारा से लगाते हैं, और अभी जो है ना अपना वर्कर वो अभी काम करता रहेगा एकदम बढ़िया तरीके से। ओके, तो अभी तुम लोग भाई एकदम मस्त वाले जो है ना वो टाइम लैप्स एंजॉय करो। साहब फाइनली जो है ना अपना शुगर केन वो यहाँ पर प्लांट हो चुका है, और अभी इधर से थोड़ा इधर साइड से रह गया है, तो इसको भी मैं लगा देता हूँ, क्योंकि भाई कोई भी एरिया हमने छोड़ना नहीं है भाई। यहाँ पर से ये जो रह गया ना, इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये अपना वर्कर इधर भी लगा देगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी रह गया तो भाई फिर दिक्कत होगी ना भाई अपनी, वो वहाँ से मतलब बुरी लगेगी वो ज़मीन। ओके डन, ये हो गया। और उधर साइड से थोड़ा सा रह रहा है, उधर से भी हम लोग लगा देते हैं। बाद में फिर इसको कट करना हुआ तो मतलब जब हार्वेस्ट करना होगा शुगर केन, तो फिर हम लोग वो तो खुद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम भाई। ओके, तो यहाँ पर जो है ना इसको मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ। ओके ओके, ये इधर से थोड़ा सा जो रह गया ये भी लग जाएगा। ओके तो ओके भाई, इधर से ये पूरी अपनी ज़मीन के अंदर शुगर केन लग चुका है, गन्ने का खेत पूरा ये लग गया है। और अभी इधर साइड से थोड़ा सा रह गया, इसको भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर भी। ओके, इधर साइड से एक सेकंड। ओके, थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम लोग वर्कर को करते हैं हायर। और ये देखो यहाँ पर ये जो थोड़ा थोड़ा रह रहा है ना, ये भी सारा लग जाएगा अभी। और ओके, ओ भाई अभी आगे भी रहता है, ये भी लगा। ओके भाई, ये भी लग गया, और आई थिंक अभी ये भी लगा देगा, ठीक है। और वो आगे वाली साइड पर भी थोड़ा सा रह रहा है, ये भी लगा लेते हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा जो रह गया, इसको एक दफा लगाना है भाई, हमने दोबारा दोबारा अपने को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ओके 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 ओके, यहाँ पर थोड़ा सा और रह गया, इधर से इसको भी लगाते हैं। ये वाला थोड़ा सा कॉर्नर रह गया, ये पता नहीं क्यों नहीं लग रहा भाई, लेकिन इसको भी ट्राई कर लेते हैं भाई। मुझे लगता है इधर साइड में ना लैंड अपनी नहीं है। ओ भाई, यहाँ पर ये वाली लैंड अपनी खुद की नहीं है भाई, वो लैंड अपने को खरीदनी पड़ेगी, अपने पास अभी इतना पैसा नहीं है भाई। और अभी ना एक चीज और रह गई है करने वाली, इसके अंदर अपना फर्टिलाइजर रहता है भाई। इसके अंदर ना ये देख रहे हो भाई, अपना लगभग 1187 लीटर फर्टिलाइजर है। तो इसको ना मैं यहीं पर उतारता हूँ, इसको अनलोड करते हैं। ये देखो अपना फर्टिलाइजर आ गया। अभी जो है ना अपना ये शुगर कैन वाली मशीन जो हमने ये लीज पर ली है, रेंट पे, इसको हम लोग वापस करने वाले हैं। ओके तो ठीक है भाई, सब अपना शुगर कैन जो है वो फाइनली प्लांट हो चुका है, और अपना जो है यहाँ पर फर्टिलाइजर रखा हुआ है। तो अभी जो है ना अपने जेसीबी को हम लोग ले चलते हैं यहाँ से। ओके, इसको अभी आई थिंक वॉश करने की तो जरूरत है नहीं भाई, तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसको यहाँ से रिवर्स करके वापस इसकी जगह पर लगा देते हैं, और अभी जो है ना अपना काम हो चुका है। अभी अपना सनफ्लावर जब होगा तब की तब देखी जाएगी। और अभी अपने पास अपनी हार्वेस्टर भी है, और ये यहाँ पर अभी के लिए ट्रैक्टर यहाँ पर हमारा लग चुका है। लाइट इसकी मैं ऑफ करता हूँ, इंजन बंद कर दिया, ये वाला दरवाजा इधर से बंद करते हैं, और ये भी दरवाजा बंद कर दिया, और बाकी सारा कुछ अपनी अपनी जगह पर लग चुका है। तो ठीक है भाई साहब, यहाँ पर अपना जो है सनफ्लावर ये भी बड़ा हो रहा है, और इसके अंदर भाई रोलिंग की जरूरत है। तो कोई अच्छी सी जो रोलिंग मशीन है वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मैं कोई बढ़िया सा मोड लेके आऊंगा भाई। और अपना डॉगी पता नहीं कहाँ चला गया, डॉगी को खाना डालते हैं भाई, डॉगी फिर आएगा वापस, ये खाना डाल दिया। अभी अपना डॉगी पता नहीं कहाँ गया हुआ भाई घूमने फिरने के लिए। तो चलो भाई सब, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर जाने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।